वर्ष 2019 का त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन निरस्त किए जाने और 2014 की आरक्षण व्यवस्था पूर्ववत रखे जाने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण छिंदवाड़ा के संयोजक अमित सक्सेना और अध्यक्ष जीवन सिंह पटेल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य के नाम दिए। ज्ञापन में कहा कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज एक्ट की धारा 9 पंचायतों के गठन को लेकर है, लेकिन अब धारा 9 का अंतः स्थापित किया जाना विधि विरुद्ध है, जिसका परिसीमन से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था को 2014 की स्थिति में लागू होने से पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन उसी प्रवर्गों के लिए आरक्षित हो जाएंगे जिस वर्ग के लिए पूर्व में थे। इससे आरक्षण के चक्रानुक्रम क्रम के नियम का भी उल्लंघन हुआ है। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है। कांग्रेस ने इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। आज हमारे कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा हम सभी लोग, हमारे अध्यक्ष जीवन पटेल जी और भैया जी शिवारे जी और सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, सब पदाधिकारियों के साथ हम लोग आए थे और हमने अभी कलेक्टर साहब को, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक अध्यादेश, पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 का प्रकाशन किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक है, असंवैधानिक है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है शिवराज सिंह की, ये पूर्णतः जो है तानाशाही की ओर अग्रसर हैं और ये चुनाव से डरते हैं। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।